हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे अंकुरित कुलथी की दाल की सब्ज़ी। इसको कुलथी, कुलथ या खरथी बोला जाता है। तो आज इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम, और आप चाहे तो इसके जगह पर कोई भी अंकुरित दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और मैंने अच्छे से धोकर पानी झड़ा कर लिया है। अभी इनको उबाल लेना है। तो उबालने के लिए हमें एक प्रेशर कुकर चाहिए। मैंने छोटा सा एक प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दाल भीग जाए इतना सा पानी मैंने डाल दिया है। अभी हम ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम हीट पर, क्योंकि ये दाल थोड़ी सी कड़क होती है तो उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 15 मिनट हमें टाइम चाहिए। चलिए कुक कर लेते हैं इसको। और इधर देखिए, मैंने मसालों के लिए लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 12 से 15 कलियाँ लहसुन लिए हैं मैंने, और यहाँ पर देखिए सूखा खोबरा लिया है मैंने, मतलब सूखे नारियल। आप चाहे तो ताज़े नारियल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 इंच जितना अदरक है स्लाइसेस में काट लिया मैंने, 2 हरी मिर्च है और 1 मुट्ठी भर मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया है। और हरी मिर्च मैंने कम ही लिया है क्योंकि पाउडर मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। तो चलिए मसालों को पीस लेते हैं। एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है मैंने, इसमें मसाले डाल देंगे सारे। यहाँ पर नारियल है 1/4 कप जितना। अपनी पसंद के हिसाब से मसालों की क्वांटिटी थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। ज़रूरत के अनुसार पानी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पीस लिया है और बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लिया है, और ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी का इस्तेमाल भी किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे स्प्राउट्स रेडी है उबल कर, लेकिन अभी इसकी सिटी खुली नहीं है तो इसको हमें खोलना भी नहीं है। इसको ऐसे ही रेस्ट करने देंगे और ख़ुद ब खुद इसका प्रेशर निकलने देंगे। प्रेशर निकल जाने के बाद हम दाल को निकाल लेंगे। तो चलिए कढ़ाई के, और सबसे पहले हम तेल डाल देते हैं। ग्रेवी के लिए ही है तो ज़्यादा कम अपनी पसंद के हिसाब से डाल दीजिए। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। चेक कर लिया मैंने 1 जीरा डाल के। अभी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरे और 1/2 टीस्पून सरसों। आप चाहे तो सरसों को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरे और सरसों को बहुत अच्छे से चटकने देना है। अच्छे से चटक जाने के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 तेज़पत्ता और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। सब कुछ अच्छे से भून चुके हैं और अभी हम डाल देंगे प्याज। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और बारीक बारीक काट के लिए थे। प्याज को थोड़ा ब्राउन करके भून लेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज का कलर काफ़ी ब्राउन हो चुका है, और हमारे यहाँ लाइट चली गई है इसलिए मैंने गैस पर ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई को। तो अभी हमें इसके अंदर डालना है जो मसालों का पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो। तो चलिए मसालों का पेस्ट डाल लेते हैं। मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना नीचे से। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हमें मसाले भी डालने हैं इसमें, जितना भी पाउडर मसाला चाहिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा कांदा लहसुन मसाला। ये महाराष्ट्रियन मसाला है, आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। ये लिया है मैंने 1 टीस्पून। और इसके साथ साथ हम डालेंगे शाही गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अभी हम ढक ढक कर कुक करेंगे जब तक कि ऊपर से तेल नहीं दिखता और इतना पानी सूख नहीं जाता। देखिए दोस्तों, मसालों की क्वांटिटी बहुत ही कम हो चुकी है और मैंने बीच बीच में ढक्कन हटाकर चला दिया था। अभी देखिए ऊपर से तेल भी दिखने लगा है, तो अभी हम ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं। पानी अपने हिसाब से डाल दीजिए। अगर ग्रेवी थोड़ी पतली चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, और अगर गाढ़ी चाहते हैं थोड़ा कम पानी डालें। चला लेते हैं थोड़ा। और यहाँ पर देखिए, मैंने कुलथी के अंकुर को उबाल कर निकाल कर लिया है। ये देखिए अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं। निकाल लिया है और इसका पानी मैंने फेंक दिया है। उबाल आने के लिए वेट करेंगे, और उबाल आने के बाद हम ये दाल को डाल देंगे।
पानी बहुत ही काला हो गया था इसलिए मैंने फेंक दिया है, लेकिन अगर आपको पानी का टेस्ट, खुशबू सब कुछ चाहिए हो तो आप पानी डाल सकते हैं, जो उबला हुआ पानी है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, उबाल आने देते हैं फिर से। अभी हमें ज़्यादा देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे, या तो जब तक ग्रेवी कंसिस्टेंसी अपने मनपसंद की नहीं हो जाती तब तक के लिए पका लेंगे। तो चलिए वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेवी कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल ठीक है, गाढ़ी लग रही है, और ज़्यादा गाढ़ी मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो आपको लगता है तो आप और भी सुखा सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल एक चुटकी शाही गरम मसाला। लास्ट में डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, मैंने भून कर लिया है, हाथ में ऐसे घस के डाल देंगे। और आपके पास अगर फ्रेश हरा धनिया हो तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेते हैं। और ग्रेवी को अगर और सुखानी है तो सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ठीक है। और ठंडा हो जाने के बाद और भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो और मैं नहीं सुखाने वाली। तो अभी हम हीट को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सब्ज़ी को हम सर्व कर लेंगे। तो आपने देखा दोस्तों, कितनी आसान रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और खाने में यह बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप चाहे तो रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। यह सब्ज़ी चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस रेसिपी को आप किसी भी स्प्राउट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और ट्राई किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।